नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं हम। ओके, लास्ट क्लास में हमने किया था डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिजिक्स में वो कैसे यूज करते हैं, और उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है वो हमने किए थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो बहुत ही सिंपल पार्ट है ये भी इंटीग्रल, क्योंकि फिजिक्स के लिए सिंपल है, मैथ्स के लिए देखोगे तो बहुत कुछ इसमें आता है, मतलब पूरा आपका 11th 12th का जो भी मैथ्स है तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तीन चार हर एक स्टैंडर्ड में लाइक 3 to 4 लेसन जो भी होंगे ना, तो वो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन के ही रहेंगे 11th 12th के मैथ्स के लिए। फिजिक्स के लिए हमें जितना यूज है इतना ही उतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब डीप मैथ्स में आप करोगे, तो मैं आपका दिमाग ज्यादा नहीं खाऊंगा यहाँ पर। ओके, जो बेसिक है इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ पर यूज करते हैं सिंपल। ओके, कहाँ पर यूज करते हैं वो भी हम अगले वाले क्लासेस में देखेंगे, जहाँ जहाँ पर यूज करेंगे, और उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होंगे ना, तो यही हम करेंगे। कुछ अगर एडिशन के रूल होंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के, तो वही इसमें करेंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ अतुल, वो आपको पता है, आई होप ये आपको पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ये ना हम समझते हैं कि ये अपोजिट ऑफ द डेरिवेशन होता है। ओके, लाइक इनवर्स ऑफ द डेरिवेशन, डेरिवेशन जो भी है, लाइक डिफरेंशिएशन जो भी है, जो भी डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं, ओके, इसके अपोजिट ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। ओके, तो ये बात सिंपल याद रखो। देन डेरिवेटिव में हम जो भी निकालते थे ना, वो क्या होता था, वो स्लोप निकालते थे। एक्चुअली वो स्लोप होता है स्लोप ऑफ ग्राफ वाई वर्सेस एक्स। y वर्सेस x जो भी ग्राफ है उसका जो भी स्लोप है वो है डेरिवेटिव सिंपल, मतलब y क्वांटिटी है, ये एक फंक्शन होता है x के अकॉर्डिंग, मतलब x जैसे चेंज होगा y भी वहां पर चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज इन लेट्स से द y क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, इसे भी हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है अपोजिट। ओके, अब इंटीग्रेशन अगर मैथमेटिकली ग्राफिकली समझना है तो इंटीग्रेशन हमारा, ओके, ये हम निकालते एरिया अंडर कर्व। जैसे अगर डेरिवेटिव हम स्लोप कहते हैं तो इंटीग्रेशन को कहेंगे एरिया अंडर कर्व, ये हमें एरिया अंडर कर्व निकाल के देते हैं। अब एरिया अंडर कर्व, अब देखो इंटीग्रेशन क्यों नॉर्मली क्यों नहीं निकाल सकते, नॉर्मल ग्राफिकल मेथड से एरिया निकाल ही सकते ना, जो भी कुछ फॉर्मूला है। बट अगर मेरे पास लेट से ऐसा ग्राफ है, अब इसका एरिया हम निकाल सकते क्या? यस, निकाल सकते। अब यहाँ पर एक ट्रेपेजियम हमें मिला है और इसे डिवाइड करके ये एक रेक्टेंगल बना सकते, ये एक ट्रायंगल बना सकते, तो इनका तो फॉर्मूला है, इसके लेट से 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, इसका लेट से एल इंटू बी होगा। ओके, तो ऐसे फॉर्मूला लगा के हम इसका ग्राफ सॉरी एरिया निकाल सकते, एरिया अंडर कर्व निकाल सकते, एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते। ओके, बट अगर वो ग्राफ ऐसा हो तो क्या करेंगे, कर्व हो तो, अरे भाई जिया ना ये कैसे हो रहा, रुक के चलना है। तो यहां पर अगर कर्व है, अब इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ना छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेते हैं, ये एक छोटा सा इनफाइनेटली स्मॉल स्ट्रिप है। ओके, जिसमें लेट से ये है आपका कुछ dx1 होगा, लेट से ये है आपका dx2 होगा, ओके, लेट से ये है आपका dx3। dx मतलब क्या, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, ओके, वेरी स्मॉल चेंज इन x। एंड ये जो भी हाइट होगी ये क्या होगी, लेट से ये आपकी y1 होगी, लेट से ये आपकी क्या होगी y2, क्योंकि ये y बाय x का ग्राफ है ना, ये y डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस होगा, ये लेट से y3। तो एरिया अंडर कर्व इसके लिए एरिया क्या होगा, इसके लिए एरिया होगा y1 dx1, इसके लिए एरिया क्या होगा y2 dx2, इसके लिए एरिया क्या होगा लेट से y3 dx। अब इन सब का एडिशन अगर करेंगे हम, समेशन करेंगे, ओके, समेशन लेट से यहाँ पर x=1 to x=n तक समेशन करेंगे। ओके, समेशन ऑफ व्हाट, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स का समेशन है। बट फिर भी अगर आप देखोगे इसे जूम करके, अब मैंने ये वाला यहां पर एक ये एक स्ट्रिप्स निकाली, तो इसे अगर जूम करके देखोगे तो यहां पर ये इतना वाला जो भी पार्ट है ना, ये यहां पर हमेशा बच जाएगा, क्योंकि वाई डिस्टेंस मतलब ये इतना डिस्टेंस है, राइट? ओके, एंड एक्स मतलब ये इतना है, डी एक्स मतलब ये इतना है, तो बचेगा ये ट्राइंगुलर पार्ट हर एक में बचेगा। अब ये हमें यहाँ पर अवॉइड करना है, मतलब ये बचना ही नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट हमें बहुत क्लोज लाना होगा, इनफाइनेटली स्मॉल बनाना होगा, इनफाइनेटली क्लोज लाना होगा, नियर अबाउट 0 के इक्वल। ओके,
एक 0 के बराबर यहाँ पर लाना होगा, नियर अबाउट बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 0 नहीं, इसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, इसके बहुत क्लोज लाना है, ठीक है। तो ये वाला जो भी पार्ट है ना, ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो इस पार्ट का हम कैलकुलेशन ऐड करने के लिए ना, इस समेशन को चेंज करते हैं किसमें, इंटीग्रेशन में। ओके तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कर्व इंटीग्रेशन। ओके अब ये यही समेशन होता है ग्राफ इस एरिया का, वाई डी एस का, वेयर द वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एक एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर। ओके ठीक है, तो ये है भैया हमारा इंटीग्रेशन। अब दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डिफाइनेट, एक होता है इनडिफाइनेट। डिफाइनेट का मतलब जहां पर लिमिट सेट होते, मतलब ये जो भी एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 1 टू द एक्स इज इक्वल टू कुछ लेट से 5। ओके तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर सेट होते हैं, तो ये लिमिट हम यहाँ पर रखते हैं 1 टू 5। तो y चेंज होगा x1 टू x5 तक। ओके तो ये यहाँ पर एरिया मिला हमें, और ये इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ ऑल दैट एरियाज अलोंग विद दैट ट्रायंगुलर पार्ट आल्सो, ये ट्रायंगुलर पार्ट का समेशन लेके, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल समेशन हम रखते, बट इंटीग्रेशन आपको अब यहाँ पर समझ में आया होगा क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखो, इंटीग्रेशन ये एरिया अंडर कर्व होता है। ओके अब उसके कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इंटीग्रेशन अपोजिट टू द डेरिवेशन है, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ लेट से एक्स डी एक्स है, ओके एक्स रेस टू एन रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ओके देन इंटीग्रेशन ऑफ लेट से 1 अपॉन x dx, ये होता है लॉग एक्स, लॉग एक्स विथ लाइक विद द बेस 10, ln जिसे कहते हैं। लेट से इंटीग्रेशन ऑफ आपका ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स डी एक्स ही रहेगा। देन लेट से इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स रेस टू एन डी एक्स, तो यहाँ पर के को हमें कांस्टेंट को, यहाँ पर के मतलब कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल रहे हैं एंड सीधा बाकी बचे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। देन लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसका होता है माइनस कॉस एक्स, इसका क्या होगा माइनस कॉस एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा, यहाँ पर साइन एक्स होगा। ओके देन और क्या क्या हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का बेसिक बेसिक ही याद रखो, बाकी कॉस एक्स का रहेगा साइन एक्स, जितने आपके बुक में है उतने याद किए तो भी चलेगा फिजिक्स के लिए, बाकी मैथ्स में तो सब याद रखना ही है, करना ही है, ठीक है। देन अगर यहाँ पर एडिशन होगी तो क्या होगा, लेट्स से एक फंक्शन है यू प्लस वी डी एक्स, तो यहाँ पर सिंपल अलग अलग निकालना है, यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, खत्म। तो ये एक याद रखो, ये एक याद रखो, एंड बाकी कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज उसके याद रखो, आपके बुक में ऑलरेडी दिए, वो भी वहां से आप देख सकते हैं। ओके चलो तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देन ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, बाकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में ऑलरेडी हमने किए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो लेट्स इवैल्यूएट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 8 dx, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये देखो ये लाइक इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, यहाँ पर लिमिट नहीं है। अब डिफाइनाइट में एक दिया एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, एंड इसका लिमिट दिया है उन्होंने 2 टू 5, एंड थर्ड थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, और ये भी इनडिफाइनाइट है। चलो तो सॉल्व करते, तीनों बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1, मतलब एक्स रेस टू 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 9। चलो एक स्टेप में हुआ ये। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है देखो, अब ये इनडिफाइनाइट है तो इसमें वैल्यूज नहीं है लिमिटेड, बट यहाँ पर वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब, एंड लिमिट है 5 टू 2। तो अब लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें, पहले मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 का 1/3 को बाहर निकालते हैं, लेट से अनंदर 5 का क्यूब माइनस 2 का, सॉरी 2 का क्यूब, ओके ये 1/3, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, तो 125 माइनस 8 करो भैया यहाँ पर कितना होगा 117। सो ये 117 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर आया। अब इसका देखो क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका आएगा माइनस कॉस एक्स,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज वॉट, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है कि इंटीग्रेशन हम कहाँ पर यूज करते हैं, उसका सिंपल मीनिंग क्या है, बाकी डिटेल्स में मैथ्स में आप पढ़ने वाले हो। ओके, चलो बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।